हीरोज बदलते हैं, चैप्टर्स बदलते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट राइवलरी की जो किताब है वो नेवर एंडिंग है। और ग्रेटेस्ट राइवलरी की इस किताब में एक और चैप्टर, एक एपिक चैप्टर जुड़े, इसका इंतजार सबको है 10 तारीख को, जब कोलंबो में फिर से स्टार बनने का मौका मिलेगा। जैसे वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पे रेपुटेशन बनती है, यहाँ पे रेपुटेशन शैटर हो सकती है। देखिए, आज जो दो स्टार्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे तो रावलपिंडी और जलंधर में 346 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन दोनों के 346 सिमिलैरिटीज हैं और 346 डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। लगभग 3 दशक तक इस राइवलरी में उतरे हैं, तो फिर स्वागत करते हैं मेरे दो बड़े डियर फ्रेंड्स का, दो चैंपियंस का, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। देखो बंदे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ने डाला है व्हाइट, एक ने डाला है ब्लैक, मैं न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट। शोएब अख्तर, हरभजन सिंह, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट राइवलरी जेंटलमैन। थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। शेबी, करंट पाकिस्तानी पेस्ट्रियो जो है, शाहीन, नसीम एंड हारिस राव, आप कैसे रेट करते हैं? बिकॉज हम बात कर रहे थे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 विकेट टेकर, थोड़ी वसीम वकार, शोएब अख्तर टाइप की पेनिट्रेशन 3 ला के देते हैं, हाउ डू यू रेट दिस ट्रियो? ऑब्वियसली यार, दीज यंगस्टर्स आर वेरी वेरी टैलेंटेड, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान एबल टू प्रोड्यूस सच फास्ट बॉलर्स ओवर एंड ओवर अगेन। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, पहले बहुत सारे पंजाब साइड से आते थे फास्ट बॉलर, अब ये ऑलमोस्ट एक पिंडी का और दो पठान है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो बन जाता है कि पिशावर इज नॉट दैट फार फ्रॉम वेयर वी लिव, पिंडी एंड पिशावर इज वेरी क्लोज बाय, सो द पठान्स आर वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी रगेड एंड टफ। सो दिस पेस बैटरी, यू नो, रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड डेज, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स than in the world right now. I would say Shaheen Shah Afridi is on the top of his career right now, and Haris Rauf has the same mindset again ke wicket leni hai maine. Shaheen Shah bhi same karta hai ki maine wicket leni hai. Acha, Naseem Shah, jahan pe I have I sent a message to him and to other players as well ke allow him to bowl more, to take more wicket taking deliveries rather than be a stock bowler. No, but what about Babar's captaincy, Shebi? But I think Babar has what the captain he was, but 2 years ago, the captain he is now. I think he's far more better captain than he was 2 years ago than now. So now he's better captain. So mera ye khayal hai ki Babar again has to be, uska mindset ye hona chahiye ki maine wicket leni hai. मैंने मैच जल्दी खत्म करना है, मैंने 50 ओवर नहीं फेंकवाने बॉलरों से। बाजूपा चलो फिर प्रेशर नहीं डालते, नो प्रेशर, नो प्रेशर। नहीं नहीं, हम डालते हैं प्रेशर, हम डालने के बैठे हैं, हम डालने के प्रेशर बैठे हैं। 10 तारीख का प्रेडिक्शन क्या है? राउंड 2 ग्रेटेस्ट राइवलरी, बताते बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो आई थिंक 50-50 गेम है, क्योंकि देखो मेरे लिहाज से पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है, इंडिया की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, सो इट्स गॉन बैक टू दोज एरास जहां इंडिया की बैटिंग हमेशा बहुत सॉलिड रहती थी, और फास्ट बॉलिंग अगर देखें तो पाकिस्तान की बहुत सॉलिड रहती थी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा टाइम जो है वो क्लॉक पीछे की तरफ घूम गया है कि फिर दोबारा वैसा एरा शुरू हुआ है जहां पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त आई है और सामने बैटिंग जो है वो अच्छी बैटिंग है। मुकाबला वो है कि नया गेंद कैसे खेलती है इंडियन टीम, अगर नए गेंद में फिर 2-3 आउट हो गए तो फिर फंस जाएंगे, अगर नया बॉल ठीक से निकाल दिया तो फिर एक बार 300 बन जाएंगे, एक बार 300 इंडिया ने बना दिया तो फिर प्रेशर गेम में 300 रन चेज करना बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कहा कि आपने 300 पर चेज कर लिया तो देन यू नो आपकी रीच तो फिर वो गैलेक्सी तक है, जैसे शोएब ने कहा। गैलेक्सी में तो शोएब, गैलेक्सी में शोएब भाई के बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। अच्छा बताओ, और हमारे लिए सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर्स हैं आपके लिए, गैलेक्सी क्लस्टर्स हमारे लिए, क्योंकि हम अहमदाबाद में जहाँ भी इंशाल्लाह फाइनल खेल रहे होंगे, इंशाल्लाह हम जीत के जब निकलेंगे तो हम मैं और बजी वहीं बैठे होंगे, तो जब फिर आगे मिलेंगे यार, थैंक यू वेरी मच फॉर इंडिया। हमारा 2011 वाला भी गुस्सा पूरा हो गया हमारा, और ये वर्ल्ड कप भी जीत गया। आई मीन दिस इज माय विशफुल थिंकिंग यार, मैं ऐसे तंग कर रहा हूँ आप लोगों को यार, बट दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, माय एंटायर लाइफ आई वांट दिस। ख्वाब 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 लेना अच्छी बात होती है, ख्वाब लीजिए और अच्छा होता है। ये ख्वाब नहीं है, और ये ड्रीमर्स का ख्वाब नहीं है, ये हम विजुलाइज करके बैठ चुके हैं, ये हम विजुलाइज करके जीत चुके हैं। टीमें भी वहां खेलने जाएंगी ना, वो सबने विजुलाइज यही किया कि ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी,
पाकिस्तान टीम यू विल ऑलवेज फील कि पाकिस्तान के हाथ में होगी, हम चाहते हैं कि भारत के हाथ में होगी भाई, हमने आपको नहीं छोड़ना बजी, आप रिलैक्स कर जाएं, आप रिलैक्स कर, हमने नहीं छोड़ना। देखो जब हम खेल रहे थे हमने आपको रिलैक्स करने दिया है ना, और अब यार देखो अब बात शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी से, बात शुरू होगी दुबई से, अब बात शुरू होगी वहां से। यार मैं ये चीजें याद दिलाया करो, हम देखो आज भी तुम एशिया कप पे, एशिया कप में पहले वो बताओ हमें चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता। चलो तंग करता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप वहां मुकाबला होगा तगड़ा। आई थिंक मुकाबला ऐसा जैसे मैंने कहा ना पहले शुरू होता था कि 80-20 मेरे लिहाज से, पर नहीं अब 50-50 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला होगा, लेट्स सी। लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना यार बज्जी के दो सालों में पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव की ना यार, या दिस इज कमेंडेबल थिंग यार। हम सारा स्कोर सेटल एक दफा करने आए इंशाल्लाह इंडिया में, आप रिलैक्स कर जाए, आप लड़े मत टीम पे। नहीं नहीं मैं लड़ नहीं रहा हूँ, ये तो देखो आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे लड़के तगड़े हैं, बाकी मुकाबला तगड़ा। हाँ नहीं नहीं हमने शाइन शाह रखा हुआ जहाज, अपना छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद।